आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के चैनल में। जय शिव शंभू। दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा वशीकरण का उपाय जो बेल पत्र के पत्तों से आप कर सकते हैं। जी हाँ, और इस उपाय से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। बस आपको चाहिए एक बेल पत्र जो कि ऐसे साबुत अवस्था में हो, जिसमें कोई भी बिल्कुल भी टूटा ना हो या किसी भी तरह से खंडित ना हो, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बेल पत्र का आप एक पत्ता ले लीजिए, इस तरह से जो तीन पत्ते होते हैं आपको लेने हैं, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये बेहद सरल उपाय जो आपको करना होगा। इसमें आपको क्या करना है कि इस पत्ते को आपको लेना है और उसके बाद आपको इसके साथ में रखना है थोड़ा सा सिंदूर। जी हाँ, इसके ऊपर आपको रखना है थोड़ा सा सिंदूर, जैसा कि आपको घर में ही मिल जाएगा सिंदूर। आपको इसके पत्तों पर इस तरह से लगा देना है, तीनों पत्तों पर थोड़ा थोड़ा सिंदूर लगाइए, और उसके बाद आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ये मंत्र आपको पढ़ना होगा 551 बार, और ये बहुत ही ज्यादा अचूक मंत्र है जो कि आपके मन की जो आपकी मनोकामना है उसको पूरा करने में मदद करेगा। जी हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं मंत्र क्या है तो आप हमारे नंबर पर कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस नंबर पर कॉल लगा के आप जान सकते हैं ये अचूक वशीकरण क्या है और इसको करने का तरीका और ये मंत्र। तो आप कॉल कीजिए या फिर आप वशीकरण की विधि जानने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, और चाहते हैं कि हम आपके लिए ये विधि करें तो आप हमारे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। आपकी बात होगी गुरुजी से, गुरुजी आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको तुरंत करके देंगे। तो धन्यवाद भक्तों।